नमस्कार फ्रेंड, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत रोजाना। आज मैं आपको सीधे ले आया हूँ माँ छिन्नमस्ती के मंदिर। और आज दिन है सोमवार, समय अभी हुए हैं शाम के 6 और 6 बजे मैं आपको सीधे माँ छिन्नमस्ती के मंदिर लेकर आया हूँ। और आज मैं आपको सीधे माँ छिन्नमस्ती का दर्शन कराता हूँ और अभी मैं दिखाता हूँ कि आज के दिनों पर इस टाइम मंदिर पर कितना भीड़ है और क्या कुछ है खास। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग पर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कभी आपका छोटा भाई इस तरह का वीडियो अपलोड करे तो आप तक नोटिफिकेशन जाए। तो अभी मैंने आपको जस्ट मंदिर के बाहर का दृश्य दिखाया और मंदिर अभी बिल्कुल खाली है, बहुत कम ही लोग हैं अभी माँ छिन्नमस्ती के मंदिर पर, खास करके शाम में। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद अभी आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे क्योंकि शाम के 7 बजे आरती शुरू होगा और आरती पे बहुत सारे लोग आते हैं। आरती के टाइम पे बहुत लोग दूर से भी आते हैं जो कि अभी ठहरे होंगे लॉज पर और आरती के टाइम पे आएंगे, और अगर आसपास के भी लोग आरती के टाइम पे आते हैं। तो दोस्तों मैं अपने दुकान पर पूरी तरह से बिजी रहता हूँ जिसकी वजह से मैं आरती के टाइम पे नहीं आ पाता हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं उस दुकान को भी छोड़ सकूँ और आप लोगों के साथ माँ छिन्नमस्ती के साथ भी बने रहूँ। सो गाइस हमारे ब्लॉग पर अभी बने रहें। तो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ अपने मंदिर से और मैं आ गया अपने दोस्त के पास और यहाँ पर खाने वाले हैं हम अपने गोलगप्पे। सो फाइनली देख सकते हैं पूरे 1 महीने के बाद आया है और देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा सूख के कांटा हो गया है। सो फाइनली अभी हम लोग खाएंगे गोलगप्पे जो कि रहेगा बिना पानी का। सो दोस्तों अभी सिर्फ नाम लेते ही मुँह पर आ रहा है पानी, बट क्या करूँ, खाने का मन है हम दोनों का जोरों से। सो दोस्तों अभी हम लोग खाएँगे। ये देखिए अभी हम लोग ठीक रजरप्पा मंदिर के सामने हैं और ये रहा मेरा दोस्त जो कि आया है और हम लोगों के लिए ये रहा, अभी फेक हो रहा है, अब जाके दुकान पे खाएंगे। सो दोस्तों हमारे ब्लॉग पर बने रहें। अभी फटाफट गुपचुप वाले भैया जो कि गोलगप्पे वाले भैया फटाफट पैक कर दिए और उधर भी एक आ गए जो कि बहुत सारे लोग खाने वाले हैं। फाइनली वो सब 4-5 हैं, हम लोग फ़िलहाल खा लिए हैं और इसके बाद वहाँ से फिर मैं निकल गया अपने दुकान की ओर। और दुकान की ओर आते आते एक देख सकते हैं पुल जस्ट पार करने वाले थे, तभी सब कोई लगे हमको देखने, लग गया हमको बहुत शर्मिंदा, बट क्या करूँ, ब्लॉग था मुझे बनाना। जाते आते आ गए अपने दोस्त के पास, ये रहा मनिहारी के दुकान पे कड़ा वगैरह सजा रहा था, थोड़ा बहुत इससे बात किया और इससे भी इसके थोड़े बहुत इनके घर के बारे में हालचाल पूछा और इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछ लिया। तो बोला कि भाई यहाँ वहाँ मत भेजो, मेरी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी ब्लॉग देखती है, क्या आप बेइज्जती करा रहे हो। सो मैंने कहा भाई ऐसी कुछ भी बात नहीं है, तुम काम कर रहे हो ऐसा कुछ है नहीं भाई, देख सकते हो चूड़ी बहुत अच्छा आया है जो कि सीख गया है। सो गाइस मैं जल्दी जल्दी आज का ब्लॉग करता हूँ एंड क्योंकि आज मैं बहुत बिजी था।